वीकेंड के बारे में सलमान खान ने लगाई प्रियंका चाहर चौधरी की क्लास ये बात मैंने आपको उसी दिन बताई थी बजर वाले टास्क में कि ये चीज होगी ही हो होगी अगर प्रियंका बजर को दबाती तब भी उसकी क्लास लगाई जाती नहीं दबाती तब भी क्लास लगाई जाएगी क्योंकि जब जब प्रियंका चार चौधरी की क्लास लगाई गई है काफी बढ़िया टीआरपी सामने आई है और कंटेंट के लिए बिग बॉस के मेकर्स तो कुछ भी करते हैं यहाँ पर हुआ भी कुछ ऐसा ही है पहले प्रियंका चार चौधरी के सामने एक सिचुएशन रखी गई एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई उसमें बिग बॉस का ही फायदा होने वाला था बजर दबाती अंकित एलिमिनेट हो जाते बिग बॉस को खुद को चाहिए था कि अंकित एलिमिनेट हो प्रियंका ने बजर को नहीं दबाया यहाँ पर बिग बॉस का प्लान फेल हो गया उसके बाद बिग बॉस ने घर वालों चालू की यहाँ पर वोटिंग्स करी किसका कंट्रीब्यूशन कम है जाहिर सी बात है जिन्होंने इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की है वो अंकित का नाम नहीं लेंगे अंकित का ही नाम लेंगे तो पूरा एक जैसे कि साजिद खान ने कहा था यहाँ पर स्क्रीन प्ले लिखा जा चुका है स्क्रीन प्ले, प्ले पहले से लिखा था कि अंकित को इस हफ्ते एलिमिनेट करना है तो अंकित गुप्ता एलिमिनेट हो गए लेकिन प्रियंका नहीं चाहती थी कि अंकित गुप्ता घर से बेघर हो जिसकी वजह से उसने बजर को नहीं दबाया साफ तौर पे कहा कि मैं अपने दोस्त को अपने हाथों से पर बाहर क्यों करूं जनता के हाथ में फैसला होना चाहिए अब इस डिसीजन पर सवाल उठाए क्योंकि प्रियंका ने भी दूसरों पर सवाल उठाए थे जब किसी ने बजर को दबाया था यहाँ पर सलमान खान प्रियंका से पूछ रहे हैं कि जब आपने यहाँ पर अंकित को बचाने के लिए बजर को नहीं दबाया तो उसमें आपका जो फैसला था वो सही कैसे था तो प्रियंका का साफ तौर पे कहना है कि मेरी वजह से यहां पर पच्चीस लाख नहीं गए थे और मैं अपने दोस्त को बलि नहीं चढ़ाना चाहती उस पर सलमान खान भड़कते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब इतने सीजन के बाद मैंने ऐसी इसको, इसको, टीआरपी तो लगाते लगाते काफी बढ़िया आती है जब भी प्रियंका की क्लास लगाई जाती है और ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि क्लास तो लगेगी प्रियंका की ही आप सोचिए इतना बड़ा मुद्दा हुआ एम सी स्टेन और शालीन मनोत का उस मुद्दे को सलमान ने किस तरीके से सॉल्व किया कितने से दोनों को समझाया क्या प्रियंका अंकित का वो बाजार वाला मुद्दा इतना बड़ा था जिसमें प्रियंका की ऐसी क्लास लगाई जाए जैसे माय ग्लैम का यहां कांटेस्ट पता चला कि प्रियंका जीत गई उसके बाद आप खुद देखो कि सलमान खान कैसे रिएक्ट कर रहे थे कि अरे कुर्सी लेकर के आओ भैया इनको बिठा लो अरे आप तो यहां बैठ नहीं सकती हो तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी पिछले सीज़न की अगर हम बात करेंगे तो उमर रियाज के साथ भी सलमान खान का ऐसा ही बिहेवियर था और इस बार प्रियंका के साथ सलमान खान का ऐसा बिहेवियर है तो और सीज़न में हम देखते हैं कि कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा होता है जिसमें सलमान का बिहेवियर ऐसा देखने को मिलता है फिलहाल इस सीज़न में प्रियंका है लेकिन कोई बात नहीं जो जितना टारगेट होता है वो उतना ही आगे जाता है वो उतना ही छाता है तो दोस्तों क्या कहना है आपका कॉमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए थैंक यू